नमस्कार दोस्तों, ये अपना मेसी फर्गूसन 254 50 एचपी की रेंज का ट्रैक्टर है। फोर व्हील ड्राइव है। आज इसके बारे में बताएंगे इसमें क्या फीचर है, क्या फीचर्स नहीं है। हालांकि इससे पहले मैंने टू व्हील की वीडियो बनाई है, अगर वो किसी ने नहीं देखी हो तो वो मेरे चैनल पे भी और फेसबुक पेज पर डली हुई है, वो भी जाके देख सकते हैं। तो इसके जो फीचर्स हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं की से। ये इसकी की है यानी कि चाबी, ये दिखा देता हूँ मैं आपको इसके फीचर्स। ये स्मार्ट इसीलिए बोलता है क्योंकि इसमें ये स्मार्ट की दी हुई होती है। अगर ये इसको यहाँ से हम लॉक कर देंगे, अगर भले ही आपके पास ये चाबी क्यों ना हो, इससे स्टार्ट नहीं होगा। मैं दिखा भी देता हूँ आपको। अब मैं इसको इस बटन से कर देता हूँ लॉक। अब मैंने ये लॉक कर दिया, अब स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये घूम रही है चाबी। ये देखिए, ये स्टार्ट नहीं होगा भले ही चाबी आपके पास हो, क्योंकि ये हमने लॉक किया हुआ है इस रिमोट से। अब यहाँ से जैसे ही आप इसे अनलॉक करोगे ना, ये हो गया अनलॉक और ये हो गया स्टार्ट। अब इसे एक बार कर देते हैं हम बंद। बंद ये यहाँ से होगा, चाबी से नहीं होगा, क्योंकि ये विदाउट टर्बो में है, टर्बो में नहीं है ये। तो इस चाबी का एक और फ़ायदा है मैं बता देता हूँ। ये जो बटन देख रहे हो आप, अगर आप इसे ऐसे प्रेस करके रखोगे, इस चाबी का बहुत फ़ायदा है। अगर बाई चांस आप इसे लॉक करते हो, कोई ऐसे इसे स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक ये चाबी उसके पास नहीं होगी, तो चोरी होने का ख़तरा भी बहुत कम हो जाता है। इससे चोरी होएगा ही नहीं आपका ट्रैक्टर। अब मैं इसके फीचर्स की बात बता देता हूँ। ये 50 HP की रेंज का ट्रैक्टर है, 4x4 है। अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके टायर की। अगले टायर जो आपको मिलेंगे इसके, वो मिलेंगे 8x18 के, दिखा देता हूँ मैं आपको। पिछले टायर की बात करें, पिछले हैं 14x9x28 के। ये ऑप्शनल है, इसमें आप 16 के भी डाल सकते हो। और इसमें साथ में वेट भी मिलेंगे आपको 32 kg के। अब इसकी शो खोल के दिखा देते हैं। इसमें यहाँ पर बटन लगा हुआ है, इसको ऐसे खींचोगे साथ में तो ये सो खुल जाएगी, ये ऐसे खुल जाएगी। इसमें दो जैक भी लगे हुए हैं, ये देख सकते हो आप, सामने दो जैक लगे हुए हैं। ये फ्रंट में बैटरी दी हुई है, इसका कूलेंट वाली बोतल होगी। इसमें जो एयर सिलेंडर देख रहे हो, ये सूखे वाला मिलेगा आपको। और ये इसका रेडिएटर है, इसके सामने जाली लगी हुई मिलेगी आपको। ये जाली को ऐसे बाहर निकाल भी सकते हो अगर डस्ट वगैरह आ जाए। इसको ऐसे साफ करो और फिर इसको फिर ऐसे अंदर डाल सकते हो। अगर मैं इसके इंजन की बात करूँ तो इसमें 2700 cc का इंजन है और बोस कंपनी का इसमें ये पंप लगा हुआ है, डीजल पंप लगा हुआ है ये। और इसमें ये 3-in-1 डीजल फिल्टर लगे हैं साथ में। 3-in-1 इसलिए बोलते हैं, तीन फिल्टर होते हैं साथ में दिए हुए हैं। वाटर सेपरेटर भी इसमें नीचे आया हुआ है। और इसकी जो सर्विस है, वैसे तो पहली सर्विस 100 पे, फिर 300 पे, फिर 700 पे ऐसे होती है, लेकिन ये जो फिल्टर है ये जब ये 700 घंटे चलेगा, ये फिल्टर तभी चेंज होगा, इससे पहले नहीं होगा। इस फिल्टर की यही खासियत है। उसके बाद बता देते हैं आपको इसकी टंकी। ये 60 लीटर की इसमें टंकी देखने को मिल रही है आपको, देख सकते हो आप। अब इसकी गियरों की बात कर लेते हैं। ये हाई लो मीडियम में मिलेगा आपको, ये देखिए। और इसका ये सुपर सेटल गियर मिलेगा, जितना ये आगे चलता है उतना ही पीछे चलता है ये। और ये इसमें क्वाटर पीट्यू दी है, गियरों पे चलने वाली पीट्यू। जिस हिसाब से आप चलाओगे ट्रैक्टर को, उसी हिसाब से पीटीओ चलेगी। जो उनसे भी गियर में चलाओगे, उसी हिसाब से पीटीओ काम करेगी। ये इसका डैशबोर्ड है और ये इसका स्टीयरिंग। कुछ भाई कमेंट कर रहे थे पिछली वीडियो में कि इसका ये जो सुपर सेटल वाला गियर है, ये बहुत टाइट लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही स्मूथली काम करता है।
ये देख सकते हो आप, इतना जोर लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इसमें। ये देखिए अच्छे से काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें डबल डिस्ट्रीब्यूटर दिया हुआ है, ये देख सकते हो। 50 HP में पहले नहीं आता था, अब इस ट्रैक्टर में आने लगा है। पहले सिंगल आता था, इसमें डबल दिया हुआ है। ये इसकी टूल किट है, ये भी पहले से बहुत हैवी है। और ये पानी रखने के लिए बोतल दी हुई है, इसका रिफ्लेक्टर। और ये पीछे लाइट के लिए दिया हुआ है, एक स्विच दिया हुआ है। ये साथ में इसकी टॉप लिंग, ये एडजस्टेबल हुक। अगर इसकी लिफ्ट की कैपेसिटी की बात करूं तो 2100 क्विंटल 2100 kg। अब मैं इसकी सो बंद करके इसके लुक दिखा देता हूं आपसे। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसके सो में, ऐसे हाथ से थोड़ा सा प्रेस करोगे बंद हो जाएगी। अब देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त सो लगती है, इसलिए इसको स्मार्ट बोलते हैं। स्मार्ट लुक में ही आता है ट्रैक्टर। 58 HP में आता है और एक ही 50 HP में भी आता है। इसमें साथ में बम्पर मिलता है आपको 65 kg का। इसमें आगे आप वेट भी लगा सकते हो यहाँ साथ में। और एक चीज़ बताना भूल गया आपको, ये जैसे फोर व्हील ड्राइव है, जो उसकी रोड होती है फोर व्हील वाली, वो आपको इतनी जल्दी दिखने वाली नहीं है। तो बीच में ही, लेकिन इतनी अच्छी शेप में दी हुई है। मैं बिल्कुल कैमरे को नीचे लेके जाऊँगा तभी दिखेगी आपको। ये देखो, ये तो पता ही नहीं चलता बीच में कोई रोड दी हुई है। ये देखो, नहीं तो वो बहुत नीचे दी होती थी, ऐसे ज़मीन में अड़ने का खतरा रहता था, कुछ भी सामान अट जाता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इसमें, देखो बिल्कुल साथ में दी हुई है, स्पेस बना रखा है ऐसे ही। ये देखियो, स्पेस बना के दिया हुआ है, हाइट पे दी हुई है, दिखती भी नहीं है, दूर से पता ही नहीं चलता।